बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर जो इंग्लिश का पेपर है उसके पेपर पैटर्न, ये पेपर स्कीम है लाहौर बोर्ड की तरफ जो इंग्लिश के पेपर होता है उसको देखते हैं। तो सारा पेपर पैटर्न मैंने स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। इसके दो पार्ट होते हैं पेपर के, एक पार्ट 20 नंबर का होता है जो कि ऑब्जेक्टिव MCQ जिसको आप बोलते हैं वो होते हैं, और 80 नंबर का सब्जेक्टिव टाइप होता है। आपके पास दो बुक होती है जिनसे आपने पेपर करना होता है, एक होता है बुक वन और एक होता है बुक थ्री। बुक वन के अंदर आपके पास 15 शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और बुक थ्री के अंदर 3 प्लेज होते हैं और 20 पॉइंट्स होती हैं जो कि आपने करनी होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो MCQs होते हैं। 20 नंबर के MCQs टोटल होते हैं, उसमें से 10 नंबर के जो है ना बुक 1 और बुक 3 से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो आपने फिल करने होते हैं। 10 नंबर के ये होते हैं MCQs, और 5 नंबर के सिनोनिम्स होते हैं आपकी जो आपने शॉर्ट स्टोरी प्लेज या पोएम पढ़ी हैं उनमें से आते हैं और 5 नंबर के MCQs होते हैं। उसी तरह जो तीसरे नंबर पर होती हैं ये इकट्ठे ही होते हैं 20 MCQs, और ये एंड तीसरे नंबर पर होते हैं MCQs। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के आपको कोई वर्ब का यूज़ बताया गया होता है, कोई गलत वर्ब दी होती है उसको आपने ठीक वर्ब चूज करनी होती है। तो ये 20 नंबर की आपकी MCQs यानी ऑब्जेक्टिव हो जाती है। इस तरह सेक्शन जो बी है यानी कि उस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सेक्शन 1 है उसमें देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 से वो स्टार्ट होगा दूसरा जो पेपर है जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं। तो उसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं और आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और ये पहला जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 9 क्वेश्चन होते हैं 6 करने होते हैं, ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरी से होते हैं। यानी कि 15 जो आपने शॉर्ट स्टोरी की हैं उनमें से आपसे 6 सवाल आपने करने होते हैं, 12 नंबर का ये होता है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो आपका होता है प्लेज में से, तो ये जो है वो आपको 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपने 5 करने होते हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसलिए भी 10 नंबर के ये पोर्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 होता है अटेम्प्ट, आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होते हैं। बुक नंबर 3 यानी पोइम्स जो आपने पोइम्स पढ़ी हैं उनमें से जो आपको पेपर दिए मतलब उनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन 6 होते हैं, आपने 4 करने होते हैं और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन 8 नंबर इसके बन जाते हैं। अगर ये देखा जाए तो 20 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। अब सेक्शन 2 जिसको इंग्लिश बी कहते हैं यानी ग्रामर कहते हैं, जो पार्ट 1 में ग्रामर है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है राइटर एप्लीकेशन या लेटर, या राइटर लेटर और एप्लीकेशन, ये दोनों चीज़ों में से आपके पास चॉइस होता है, आप एप्लीकेशन लिख लें या लेटर लिख लें। तो मैं ज़्यादा रिकमेंडेशन जो है या ज़्यादा रिकमेंड एप्लीकेशन करता हूँ क्योंकि ये याद करने भी आसान है और इसमें नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये भी 10 नंबर की हमारे पास एप्लीकेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट अ मॉरल स्टोरी आउट ऑफ 2, और आपने क्या होता है कि 2 आपको मॉरल दिए गए होते हैं उसमें आपने कोई मॉरल स्टोरी लिखनी होती है, जो आपको मॉरल दिए गए होते हैं मॉरल्स, तो ये आपको आपके टीचर ने क्लास में करवाया होता है, आप ये वो भी देख सकते हैं। ये 10 नंबर का ये भी मॉरल स्टोरी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होता है, इस 7 के 3 पार्ट होते हैं ABC, 5-5 नंबर के 3 पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 7 15 नंबर का होता है लेकिन इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में एक्सप्लेन दिस लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आपने जो पोएम पढ़ी है 20 में से किसी भी पोएम का जो है ना वो आपको शेयर दिया गया होता है और आपने उसका रेफरेंस किया यानी वो किस पोएम से है, किस राइटर पोएट ने लिखी है और उसका कॉन्टेक्स्ट यानी उसका सेंट्रल आइडिया क्या है और उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी तस्वीर जो है वो आपने लिखनी होती है, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है, तो पंक्चुएशन फॉर्म पंक्चुएशन होती है फ्रॉम बुक वन से जो शॉर्ट स्टोरी आपने की हैं 15 उनमें से आपको जो है ना वो पंक्चुएशन दी जाती है, कुछ मतलब कॉमा शोमा फुल स्टॉप ब्रैकेट इन्वर्ट कॉमा को लगाना होता है, को कैपिटल करना होता है, इसी तरह की पंक्चुएशन होती है। तो ये भी 5 नंबर का होता है। और राइट सेंटेंसेज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स आउट ऑफ 7 आपको पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए होते हैं, उनको आपने अपने सेंटेंसेज में यूज करना होता है और वो आपने 5 करने होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 5 नंबर के ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेशन है क्वेश्चन नंबर 8, आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया होता है, आपने उर्दू में उसको ट्रांसलेट करना होता है, तो ये 15 नंबर का आपके पास ट्रांसलेशन पैराग्राफ होता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।